तो दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मूवी को लेकर हमेशा से ही फैंस के दिलों में एक्साइटमेंट भरी होती है। इतना ही नहीं, अब जो भाईजान की 10 अपकमिंग मूवीज है वो बॉक्स ऑफिस के हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखती है। जी हां, नंबर एक पर है सिकंदर। यार मुरुगदास के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक खतरनाक एक्शन मूवी है। नंबर दो पर है करण जौहर और डायरेक्टर विष्णु वर्धन की फिल्म द बुल। ये एक बायोपिक है। इस वक्त ये फिल्म ठंडे बस्ते में है, लेकिन जल्द ही मेकर्स इसे शुरू करना चाहते है। वही नंबर तीन पर है टाइगर वर्सेस पठान। इस फिल्म में हमें एज ए लीड रोल में सलमान खान और शाहरुख खान दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में दोनों सुपरस्टार आपस में लड़ते नजर आएंगे। वही नंबर चार पर है लोकेश कनगराज और सलमान खान की एक अनटाइटल मूवी। इस फिल्म की चर्चा तब ज्यादा हुई थी जब सलमान खान किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग कर रहे थे। नंबर पाँच पर है दबंग 4। हाल ही में दबंग 4 को लेकर सलमान खान ने खुलासा किया था कि जल्द ही दबंग 4 भी आएगी। इस मूवी की स्क्रिप्ट के लिए डायरेक्टर एटली कुमार से संपर्क किए जाने की हाल ही में खबरें सामने आई थी। नंबर सिक्स पर है भाईजान की एक और मूवी किक 2। आपको बता दें, इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट दिख रही है और डायरेक्टर और एक्टर दोनों ने ही किक 2 आने वाली है इस पर मोहर लगा दी है। नंबर सात पर है दोस्तों धूम 4। धूम 4 एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो अपने नाम से ही काफी बड़ी है और अब इसके चौथे पार्ट में सलमान खान का नाम सामने आने के बाद से इसकी हाइप 10 गुना बढ़ गई है। नंबर आठ पर है दोस्तों प्रेम की शादी। सलमान खान और सूरज बड़जात्या की यह फिल्म अभी ठंडे बस्ते में चली गई है ऐसी जानकारी सामने आई है, लेकिन ये बनेगी ये तय माना जा रहा है। इसके बाद 9 नवंबर पर है इंशाल्लाह। तो दोस्तों, डायरेक्टर भंसाली की इस मूवी से कई दिनों तक भाईजान सलमान खान का नाम जुड़ने के बाद फाइनली आखिरी अपडेट ये थी कि भाईजान ये मूवी नहीं कर रहे हैं। नंबर 10 पर है सफर मूवी। तो दोस्तों, इस फिल्म में सलमान खान का कैमियो होने वाला है और फिल्म सफर के लीड एक्टर सनी देओल है। वैसे आप इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान की डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही भाईजान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।